एजे, अगर अपनी जान की जरा सी भी परवाह तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। अज्जू भैया तुम्हें ढूंढ रहे। चिल्ड्रन, एक ना एक दिन हम दोनों को सामने आना ही होगा। आज इस बात को खत्म करो। तुम अज्जू भैया को बिल्कुल नहीं जानते। वो बातों से कम और डंडों से ज्यादा बात करते हैं। चलो मेरे साथ। रोशनी, ट्विंकल सुनना, देख अगर अज्जू भैया के आदमियों ने देख लिया ना तो अज्जू भैया के कोर्ट में पेशी देनी पड़ जाएगी। ओहो, और डरपोक कवर देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है यार, यहाँ कनाल में आकाश को कौन जानता है। तू शांति रख। एक्सक्यूज मी, हाय। इंडिया का सबसे फेमस डांस रियलिटी शो करनाल में ऑडिशंस करने वाला है, तो शायद आप, आपके फैमिली मेंबर्स, कोई भी, किसी को भी डांस में इंटरेस्ट हो तो आप ये पैम्फलेट्स उन तक पहुंचाना प्लीज। कोशिश करते। पैम्पलेट्स वापस क्यों उठा रहे हो बिट्टू? इट्स सो टैकी। मैम, इन पैम्पलेट्स को बनाने में ना आपने बहुत मेहनत करी है। एक एक स्टार आपने अपने हाथों से बनाया है, तो फिर आपकी मेहनत में वेस्ट कैसे होने दूं? काम पे लगो। Guys, come on, don't be down. हम कोशिश करते रहेंगे, alright? Excuse me, sir. Keep it up, okay? क्या यार आकर्ष, where the hell are you? Hi ma'am, ताल से ताल मिला का मेंटर आकर्ष जयसिंह। हम करनाल आए अगले डांसिंग सुपरस्टार की खोज में, तो क्या आप या आपकी फैमिली में कोई भी, किसी को भी डांस में इंटरेस्ट हो तो ऑडिशन करने आ सकता है मैम? हाँ, मेरी बेटी है, इसको डांस का बहुत शौक है। Really? Hi sweetheart, आपको डांस में इंटरेस्ट है? Yeah. तो क्या आप हमारे साथ डांस सीखने आओगे? Yeah. That's awesome. ये आप भी लो। वैसे फॉर्म में तो सारे एड्रेस मेंशन है, आप ये टाइम पे उसे भेज सकते हो। अरे रे, क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है? और तू क्या पूरी बावरी होगी से? बिटिया ने नचनिया बनावेगी। देखो निकलो इधर से। और भाई जी, आप तो निकल लो यहां से फटाफट, कह रहा हूं मैं, वरना चल तू मेरे साथ डांस कंपटीशन करवा के चल। इंडिया का सबसे बड़ा डांस रियलिटी शो करनाल में ऑडिशंस करने वाला है, तो या आप या आपकी फैमिली मेंबर में कोई भी, किसी को भी डांस में इंटरेस्ट हो तो वो हमारे ऑडिशंस में आ सकते हैं।
right, guys, bring it in. Bring it in. आप नहीं आएंगे? Come on. No problem. All right, guys, good going. आपसे ही पूछ लेती हूँ, ये ताल से ताल मिला के ऑडिशन कहाँ चल रहे हैं? हमारे भाईजी के होते हुए ऑडिशन का कोई चांस नहीं है, समझी के? ऑडिशन नहीं हो रहे? अच्छा, आपने इस लड़की को कहीं देखा? ये आकर्ष जयसिंह है, ताल से ताल मिला का डांस गुरु। फाइनली हम लोगों ने 10 पाउंड भरवा लिए, इस बात पे तो पार्टी बनती है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। रेस्टोरेंट भी यही है, लेट्स गो। इस पे सोचना क्या है सर, मुझे भूख भी बहुत लगी है। लेट्स गो। रोशनी, आप अंदर नहीं आ रहे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। दैट्स ओके, बट बात खाने की नहीं है, बात साथ की है। आप सिर्फ कंपनी देने के लिए आ जाइए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। Come on, रोशनी, आज इतना बड़ा दिन है हम लोग के लिए, मना मत कीजिए। Wait a second. Unless आप अपने भाई की तरह कंपटीशन के अगेंस्ट हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। Relax. Just kidding. आप अंदर आएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। All right, फटाफट ऑर्डर करते हैं। आप क्या लेंगे? मुझे भूख नहीं यार। तेरे नाना का टेप रिकॉर्डर कभी बंद नहीं होता क्या? ट्विंकल, सच में मेरा खाने का मन नहीं था। ओके, कोई बात नहीं, आप इतना तो बता दीजिए कि मेन्यू में सबसे अच्छी आइटम कौन सी है? नील को तो यहाँ की कचौड़ियाँ बहुत पसंद है। रियली? Awesome. और बैजू भैया को तो यहाँ के पकौड़े बहुत पसंद है। एंड आपको? मुझे तो सब कुछ ही अच्छा होगा, आप कुछ भी मंगवा लीजिए। अच्छा, मतलब आपको पता नहीं? कोई बात नहीं, हम इस मेन्यू पे हर एक आइटम मंगाएंगे और आपकी पसंद जान लेंगे आज। वेटर? नहीं नहीं, ये आप कर क्या रहे हैं? वेटर, आपके मेन्यू में जो भी आइटम हो एक एक चीज करके लेकर आओ, समोसा, जलेबी, कचौरी, पकौड़ा, सब। लेकिन सर, इतना सब कुछ मंगवा कर हम करेंगे क्या? डूड, देखते जा, एजे का कमाल। ऑलराइट, थैंक यू। जलेबी, पकोड़ा, समोसा। ऑलराइट, नाउ हर एक आइटम
छोटे छोटे बाइक्स लीजिए आप। ये क्या बचपना है, प्लीज। आपको बताना इन सब में आपका फेवरेट डिश कौन सा है, जलेबी, कचौरी, समोसा या फिर पकोड़ा? मुझे सबसे ज्यादा समोसे पसंद है। देखा, मिल गया ना जवाब। यू नो रोशनी, जरूरी नहीं है कि क्यों है छोरा, कौन है ये लड़की? अरे बता भी दे, कहां से लाया है इस लड़की को? अरे की बात है अज्जू, सबका ठेक क्यों करा के? अरे यो कौन है? थोड़ी देर रुक जाओ मामा, सब पता चलेगा। आप यही रुकिए, हम अंदर जाते हैं, उसके दो मिनट बाद आइएगा। श्योर। चलो। रीवा के इतने सारे मिस कॉल्स, बहुत सब ठीक है। क्या हुआ, सुबह से महफिल जमाए क्यों बैठे? तुम मिल गए। I will kill you। तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? रीवा, तुम करनाल कब आए? And why? अब आप दोनों का ये भर्त मिलाप ना बाद में कर लेना आकर्ष बाबू, या फिर आकर्ष जयसिंह। ताल से ताल मिला के मास्टर। मैं आपको सच बताने वाला था कि आकाश, are you okay? अरे नहीं नहीं अज्जू, आ तो बता अज्जू ने कि इसके गलतफहमी हुई है। यो आकर्ष ताल से ताल मिला वाला गुरुजी नहीं है। अरे करनाल में अपने फैक्ट्री लगाना है, मैंने जमीन भी दिखाई है इसने। तेरे आदमी आकर जरूर कोई गलतफहमी हुई। गलतफहमी मेरे छोरा ने नहीं हुई मामा, गलतफहमी आपने हुई है, जो इस उम्मीद लगा के बैठे हो। आकर्ष बाबू,
खुद सच बोलोगे या लात खा के मुंह से बात बाहर निकलेगी? आकर्ष, तू सज्जू ने सच सच बता, बतायो क्या कहे? अरे बता, यो कह रहा है वो सच है? जवाब और तुम्हें क्या लगा था कि छोटे शहर से है तो तू बेवकूफ बना लेगा? अरे बोल ना, मैं आपको सच बताने वाला था कि आकाश, आई ओके? ओ मैडम जी, आप क्यों बीच में कूद रही हैं? आपकी भलाई इसी में है कि चुपचाप खड़े रहो। और जो रेवा को बीच में मत ला। भाई मैडम खुद ही बीच में आ रही है, मैं कहां ला रहा हूं? और वैसे भी तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, अभी सुच्चे से बात कर रहा हूं। इसलिए चुपचाप मां के पास खड़े, मां पकड़ी इसने। आज वो दीदी, आप इधर आ जाओ दीदी। अंकल एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको सच बताने वाला था, यहां से निकलने वाला था कि पहली बात तो तू ये बता कि तूने झूठ बोला क्यों, और दूसरी बात कि तेरी किस्मत खराब की थी झूठ बोल के तू रहने का आया, अब तू क्या घर? अब तू देख मैं तेरे कैसे खातिरदारी करता हूं, तू देख। धमकियां उसे दे जो तुझसे डरते हैं, मैं तेरी बातों से डरने वाला नहीं। तुझे डरना पड़ेगा। अरे सुरेंद्र मना कर इसने। हे यू, तुम ऐसे किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। वेट, मैं अभी पुलिस स्टेशन फोन करती हूँ, वहीं तुम्हें टैकल करेंगे। अज्जू, यो क्या हो रही है? इस घर पे पुलिस आएगी क्या? हेलो, करनाल पुलिस स्टेशन। एक अज्जू नाम का गुंडा मुझे और मेरे दोस्त को परेशान कर रहा है। प्लीज टेक एन इमीडिएट एक्शन। थानेदार साहब, राम राम। हाँ अज्जू बोल रहा हूँ। हाँ ना जी, फिक्र की कोई बात ना है, करनाल शहर में नए आए हैं, यहाँ के तोड़ त्रोकों से वाकिफ ना है, अच्छे से करा दूंगा, फिक्र ना करो। अच्छा जी, राम राम। राम राम जी, राम। अज्जू भैया जाने दो ना, मैं बरसाती से इनका सामान वापस लाकर दे देती हूँ। Thank you.
डांस मेंटर होने की बात छुपाई है तो मैंने भी तो आपसे सच नहीं कहा। मुझे तो ये बात कल ऑडिशन रूम में ही पता चल गई थी और मुझे क्या, रोशनी को भी तो सब कुछ पता। तेरा बड़ा तेरा दूठ रखा है, बड़ी ममता की देवी बन रखी है, चुपचाप खड़ी रहे यहाँ पे, समझ गई? बड़ा जलील किया लोगों ने, एक एक जख्म का बदला लूंगा मैं। रुकिए अर्जुन भैया, हाथ मत लगाना ये भाई, तेरा ही बोलना बाकी बचा था, चुपचाप खड़ी रह। जनानियां नहीं बताएंगी कि मुझे क्या करना है। यही तो आपकी प्रॉब्लम है, आप खुद को भगवान समझते हो क्या कि जब जो चाहे वो करोगे, कभी भी किसी पे भी हाथ उठा दोगे। जब इतने 50,000 रुपए दिए तब तो ना किसी ने कुछ कहा ना कुछ पूछा, तब तो बड़ा गले लगा रहे थे इसे, तो अब ये सब तमाशा क्यों? वही तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन हमारे लिए इसके पैसे मायने ना करते। मामा अभी के अभी इसके पैसे मुंह पे मार। वो पैसे तो मैंने बैंक की किश्त के लिए जमा करा दिए। कोई बात नहीं, पैसे तो दे ही देवांगे, लेकिन इसने जो किया है ना उसकी सजा तो इसने जरूर मिलेगी। गलती तो हम सबने की, फिर सजा भी हम सबको मिलनी चाहिए। अगर एजेंट अपने डांस मेंटर होने की बात छुपाई है तो मैंने भी तो आपसे सच नहीं कहा। मुझे तो ये बात कल ऑडिशन रूम में ही पता चल गई थी और मुझे क्या, रोशनी को भी तो सब कुछ पता। बड़ा परेशान करा तेरा तो मैं किस्सा ही खत्म कर दूंगा मैं। आकाश रुक जा, क्यों क्यों? अब एक बात मैंने पता चल गई, बाप चाहे कितनी भी अच्छी परवरिश कर ले, लेकिन मां का खून सूखा रहेगा।